दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल SS डिजिटल इंडिया में। आज मैं आपको बताऊंगा एक्सेल के अंदर पेस्ट स्पेशल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरी एक एक्सेल की सीट है, इसमें मैंने दो टेबल बनाई है। एक टेबल के अंदर मैंने फ्रूट्स की प्राइस और दूसरी टेबल के अंदर वेजिटेबल्स की प्राइस। तो पेस्ट स्पेशल के लिए आपको जब तक किसी भी कंटेंट की आप कॉपी नहीं करते हो तो पेस्ट स्पेशल काम नहीं करेगा। अगर जैसे आप किसी भी कंटेंट की कॉपी करते हो, अगर आपने कट किया है तो कट में पेस्ट स्पेशल काम नहीं करता। अगर मैं जैसे यहाँ से कट करता हूँ और फिर मैं देखता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो देखिए पेस्ट स्पेशल मेरा अभी डीएक्टिव है। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, जैसे मैंने इसको कॉपी किया और जब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि ये सारे जो भी है पेस्ट स्पेशल मेरा एक्टिव हो गया है। तो इसके लिए आपको कॉपी करना मस्ट है, बिना कॉपी के आपका पेस्ट स्पेशल डीएक्टिव ही रहेगा। तो अब यहाँ जब मैं क्लिक करता हूँ पेस्ट स्पेशल पे, तो सबसे पहले होता है ऑल। तो ऑल में क्या होता है, जैसे आपने ये कॉपी किया हुआ है और आप अपने पॉइंटर को जैसे जहाँ पे जिस सेल पे रखते हैं और वहाँ पे जैसे आप पेस्ट पे क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे जाके ऑल पे आपने क्लिक किया और जैसे आप ओके करते हो, तो जो कंटेंट है जैसा है उसी की डिटो कॉपी यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। ये तो था ऑल। अब इसके बाद में जब आप क्लिक करेंगे पेस्ट स्पेशल में, तो सेकंड ऑप्शन होता है फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूलाज को समझने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फॉर्मूला इंसर्ट करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे किया है मैं मिनिमम का और यहाँ मैक्सिमम का और यहाँ मैं सम का फॉर्मूला इंसर्ट करूँगा। जैसे यहाँ पे मैंने किया इक्वल MIN और ये मेरी रेंज है, सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से और मैंने एंटर की प्रेस की और इक्वल मैक्स, यहाँ मैं मैक्सिमम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ और यहाँ मैं इनकी टोटल कर रहा हूँ इक्वल सम। जी तो अब यहाँ क्या होगा कि जैसे ही मैं जिस सेल के अंदर मैंने फॉर्मूला लिया हुआ है उन सेल को सेलेक्ट करूँगा और मैं कॉपी करूँगा। अब कॉपी के बाद जहाँ पे आपको ये फॉर्मूला पेस्ट करना है, तो जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ पे इस जगह इस टेबल में मुझे ये फॉर्मूला पेस्ट करना है, मुझे वैल्यू पेस्ट नहीं करनी, मुझे फॉर्मूला इसमें पेस्ट करना है, इसके लिए मैं जाऊंगा पेस्ट और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल और यहाँ मैं क्लिक करूंगा फॉर्मूलाज पे। तो जैसे ही मैं ओके क्लिक करता हूँ तो ये देखिए जो फॉर्मूला मैंने यहाँ इंसर्ट किया हुआ है सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे इंसर्ट हो गया है और इसमें रेंज वही रहेगी जो कि देखिए दोनों मैंने टेबल की जो फॉर्मेट है जो रेंज है वो सेम है। और यहाँ पे भी मैं इनको अगर मिनिमम मैक्सिमम तो ये सिंपल मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ये मैंने कॉपी किया और यहाँ मैं इनको सिंपल पेस्ट, जैसे मैंने यहाँ पे ये पेस्ट किया तो ये मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पे इंसर्ट हो गए हैं। तो ये चीज़ होती है कि आप इसमें पेस्ट स्पेशल में फॉर्मूला इंसर्ट कर सकते हो पेस्ट स्पेशल के थ्रू। अब वापस मैं यदि यहाँ पे कॉपी करता हूँ, मैंने क्या किया पूरी टेबल को जो है कॉपी किया और कॉपी करके मैं वापस जाता हूँ पेस्ट स्पेशल और नेक्स्ट पे होता है फॉर्मेट्स। तो जब आप इस पे क्लिक करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे अपना पॉइंटर यहाँ रखा और मैं क्लिक करता हूँ वापस पेस्ट स्पेशल में फॉर्मेट्स पे, तो यहाँ क्या होगा कि मैंने जो है कंटेंट कॉपी नहीं होंगे, केवल उसकी फॉर्मेट्स ही यहाँ पे पेस्ट होगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट वापस जाता हूँ पेस्ट स्पेशल और इसमें होता है कमेंट्स। कमेंट्स के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे इंसर्ट करके इसमें देखिए, जब आप राइट क्लिक करेंगे किसी भी सेल में तो यहाँ एक ऑप्शन होता है इंसर्ट कमेंट। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि जैसे अगर मान लीजिए 18 जो है यहाँ पे आप कुछ कमेंट देना चाहते हैं इसकी प्राइस पे, जैसे आपने यहाँ पे कमेंट टाइप किया इंसर्ट कमेंट और यहाँ आप कुछ भी कर दीजिए हाई प्राइस,
और ये आपने यहाँ पे क्लोज किया। और ये ऑरेंज में भी अगर आप कोई कमेंट टाइप करना चाहते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, तो यहाँ से इंसर्ट कमेंट कर दीजिए, कुछ भी ABC XYZ जो भी आपको टाइप करना है, जो भी आपने टाइप किया। अब यदि आप कॉपी करते हैं, जैसे ही आपने यहाँ पे पूरी टेबल भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, पर्टिकुलर रेंज कोई सी भी रेंज आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे आप कॉपी करोगे और यहाँ पे आप पेस्ट स्पेशल में जाओगे, और जब आप क्लिक करेंगे कमेंट्स, और जैसे आप ओके करोगे, तो यहाँ देखिए केवल जो कमेंट आपने टाइप किए हैं वही यहाँ पेस्ट होंगे, बाकी की वैल्यू और बाकी के फॉर्मूले कुछ भी यहाँ पे इंसर्ट नहीं होगा। अब इसके बाद वापस अपन चलते हैं पेस्ट स्पेशल, और इसमें सेकंड ऑप्शन होता है वैलिडेशन। तो वैलिडेशन के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि डाटा है, और डाटा के अंदर यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ देखिए ये होता है डाटा वैलिडेशन। तो इसके लिए आपको इस टेबल में एक डाटा वैलिडेशन जो है वो आपको देना होगा। डाटा वैलिडेशन के लिए आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, और डाटा वैलिडेशन पे जब आप क्लिक करते हैं, और यहाँ मैं एक लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया A, B, C और ये D। जैसे ही मैं यहाँ ओके करता हूँ, तो यहाँ देखिए एक ये वैलिडेशन ABCD, इस तरह से जो है मैंने एक लिस्ट यहाँ बना दी डाटा वैलिडेशन में। और अब जब मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैंने पूरी टेबल सेलेक्ट की है, होम पे जाके मैं कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करके मैं यहाँ पे जब जाता हूँ पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ वैलिडेशन, तो जैसे ही मैं यहाँ ओके करता हूँ, तो यहाँ देखिए अभी आपको कुछ भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो आप इस सेल की रेंज में जैसे क्लिक करेंगे अपना एरो की से, ये देखिए, तो यहाँ पे जहाँ मैंने वैलिडेशन दिया हुआ है, तो वहाँ पे देखिए इस तरह से ये ड्रॉप डाउन की लिस्ट हो गई। तो इसमें केवल वैलिडेशन जिस सेल में, जिस कॉलम के अंदर आप वैलिडेशन देते हैं, वो ही यहाँ पे पेस्ट हुआ है, बाकी के कंटेंट इसमें पेस्ट नहीं हुए हैं। अब इसके बाद जब मैं क्लिक करता हूँ वापस पेस्ट स्पेशल, और इसमें होता है ऑल यूजिंग सोर्स थीम्स, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देन मैं ओके करता हूँ, तो इसमें देखिए जो भी इसमें कंटेंट है, जो फॉर्मूलाज हैं इसमें, सारी टोटल जो भी हैं वो इसमें इंसर्ट हो गया। ये देखिए इसमें जो फॉर्मूले लगे हुए थे सारे फॉर्मूले इसमें हैं, ये देखिए मिनिमम मैक्सिमम और जो भी टोटल कंटेंट है वो सब इसमें पेस्ट हुए हैं। अब दोबारा मैं इसकी कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके फिर वापस मैं जाता हूँ पेस्ट स्पेशल, और इसमें होता है ऑल एक्सेप्टेड बॉर्डर्स, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए इसमें क्या होगा कि जो बॉर्डर्स मैंने दी हुई है वो इसमें इंसर्ट नहीं हुई है, केवल कंटेंट हुए हैं और इनकी फॉर्मेटिंग पेस्ट हुई है। अब इसके बाद में होता है कॉलम विड्थ। तो कॉलम विड्थ से ये है, अगर मैं जैसे यहाँ से कॉलम की विड्थ कम कर देता हूँ, जैसे मैंने इन दो कॉलम की जो है कॉलम मैंने विड्थ कम की है, और अब यहाँ अगर मैं पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ और मैंने जैसे किया पेस्ट स्पेशल देन कॉलम विड्थ, जैसे मैं कहता हूँ ओके, तो यहाँ देखिए कंटेंट मेरे यहाँ पेस्ट नहीं हुए हैं, लेकिन मेरी कॉलम की जो विड्थ है, कॉलम जो यहाँ पे देखेंगे आप, इन दोनों कॉलम की जो विड्थ है इसके सिमिलर, जैसे कॉलम विड्थ है मेरी 10.56, और यहाँ पे मैं इन दोनों की कॉलम विड्थ चेक करूंगा तो इसकी भी सेम ही होगी, ये देखिए। तो ये चीज होती है कॉलम विड्थ। अब जब दोबारा वापस जाके मैं चेक करता हूँ यहाँ पे फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स, तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक इसको समझने से पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनकी फॉर्मेट्स को मैं चेंज कर देता हूँ। नंबर की जो फॉर्मेट्स हैं यहाँ पे मैं जाके अकाउंटिंग, और इसको मैं कर देता हूँ इंडियन फॉर्मेट में।
और अब मैं यहां से मैं करता हूं इसको कॉपी पेस्ट स्पेशल, और अब मैं यहां पे क्लिक करता हूं फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स। तो यहां देखिए, अब इसमें क्या होगा कि मैंने जैसे ही किया तो यहां फॉर्मेटिंग इंसर्ट नहीं हुई है, केवल मेरी नंबर की जो फॉर्मेट्स है वो यहां पे इंसर्ट हुई है। अब इसमें देखिए फॉर्मूला भी आया है बट फॉर्मेटिंग इसमें इंसर्ट नहीं हुई है। अब जब मैं दोबारा वापस चलता हूँ पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे होता है वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट्स। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए इनके अंदर क्या हुआ, फॉर्मूले नहीं है केवल वैल्यू, ओनली वैल्यूज इसमें आप देखेंगे। यहाँ आपका फॉर्मूला है बट यहाँ इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। और ठीक इसी तरह से जब आप यहाँ देखेंगे पेस्ट स्पेशल में सेकंड ऑप्शन होता है फॉर्मूलाज के नीचे वैल्यूज, तो जब आप वैल्यूज पे क्लिक करते हैं तो जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ केवल वैल्यू पेस्ट हुई है, किसी भी तरह की कोई फॉर्मेटिंग आप देखेंगे, मैंने नंबर फॉर्मेटिंग भी चेंज की थी, करेंसी फॉर्मेट मैंने चेंज किया इंडियन का, लेकिन वो यहाँ इंसर्ट नहीं हुआ और इसमें कोई फॉर्मूला भी इंसर्ट नहीं हुआ है, केवल वैल्यू, किसी भी तरह की कोई फॉर्मेटिंग नहीं आई है, केवल इसमें वैल्यू पेस्ट हुई है। अब सेकंड इसमें अपन देखते हैं पेस्ट स्पेशल के अंदर कि ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेट्स। तो इसको समझने के लिए आप जो इसमें मैंने जैसे रेंज, एक मिनट में मैं इसे क्लोज करता हूँ। सबसे पहले आपको रेंज लेनी होगी, यहाँ से मैंने रेंज सेलेक्ट की है और अब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके एक रूल बनाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मेट कर इसमें फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट, यहाँ बिटवीन दो नंबर 1 और यहाँ से लेना 5, 1 से लेके 5 तक की मैं एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेट कर रहा हूँ। यहाँ मैंने इसको किया बोल्ड इटैलिक और इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। मैंने इसको किया ओके, इसको भी मैंने ओके। अब यहाँ देखिए मैं जैसे 1, 0, 5, 8, 9, 12 है और यहाँ पे मैं 5 करता हूँ। तो जब आप देखेंगे अब यहाँ अगर मैं इस चीज़ को कॉपी करता हूँ और अब मैं पेस्ट स्पेशल में जाके जब मैं चेक करता हूँ, देखिए तो अब ये वाला जो होता है मेरा ऑल मर्ज कंडीशनल फॉर्मेट्स ये एक्टिवेट हो गया है। और जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे जो मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेट की थी वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो गई है। अब इसके बाद सेकंड जो सेक्शन होता है वो होता है ऑपरेशन का। ऑपरेशन से मीनिंग ये होता है कि अगर आपने जैसे कोई कंटेंट, जैसे आपने यहाँ पे टाइप किया 1, 2, 3 और यहाँ से जैसे मैंने यहाँ मैंने टाइप किया 5, अब मैं यहाँ कॉपी करता हूँ, जैसे मैंने इसको कॉपी किया और अब मेरा पॉइंटर मैंने ये सेलेक्ट की रेंज ये, ठीक है, क्योंकि मुझे इसके अंदर ये 5 ऐड करने हैं। तो जब मैं यहाँ जाऊँगा पेस्ट स्पेशल और यहाँ करता हूँ ऐड, और जैसे मैं करता हूँ ओके, तो आप देखेंगे जो मेरे 1, 2, 3 थे उनके अंदर जो मैंने 5, तो ये देखेंगे सबके अंदर 5, 1 के अंदर 5, 6, 2 के अंदर 5, 7 और 3 के अंदर 8, यानी कि ये ऐड हो गया है। और सेम इसी तरह से अगर मैं पेस्ट स्पेशल में जाके अब दोबारा मैं करता हूँ सबस्ट्रैक्ट, तो ये क्या करेगा, जो सेलेक्टेड है मेरी रेंज आप देखेंगे 6, 7, 8, इसमें से 5 लेस कर देगा, ये देखिए, तो ये दोबारा मेरी वैल्यू 1, 2, 3 यहाँ आ गई। अब मैं दोबारा वापस पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ और यहाँ मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई 1 × 5 को मल्टीप्लाई करेगा 5, 2 × 5 10 और 3 × 5 15, तो ये देखिए इस तरह से जो है ये मल्टीप्लाई कर देगा। अब सेकेंड इसमें वापस मैं पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ और ये डिवाइड, अब ये 5 से इनको डिवाइड कर देगा, ये देखिए 1, 2, 3, तो इस तरह से ये इसमें डिवाइड कर देगा। अब इसके बाद में नीचे आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्किप ब्लैंक्स, तो इसको समझने के लिए अभी मैंने क्या करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ जो मेरा ये डाटा है मैं इनको
कॉपी कर रहा हूं, ये मैंने कॉपी किया और कॉपी से पहले मैं यहां पर जैसे कुछ कंटेंट यहां टाइप कर देता हूं 10 20, और अब मैं यहां से इसको पूरे को कॉपी कर रहा हूं। मैंने कॉपी किया और यहां पे मैं सेलेक्ट करके अब मैं जाता हूं पेस्ट स्पेशल और यहां कर देता हूं स्किप ब्लैंक। जब मैं ओके करता हूं पेस्ट स्पेशल स्किप ब्लैंक, कॉपी कॉपी, और अब मैं यहां करता हूं पेस्ट स्पेशल, यहां करता हूं स्किप ब्लैंक। कॉपी पेस्ट स्पेशल स्किप ब्लैंक्स, स्किप ब्लैंक को समझने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया 1, एक स्पेस दिया 2 और ये 3। अब मैं यहाँ से अब मैं इन तीनों को जो सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके अब मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और पेस्ट स्पेशल में जाके जब मैं करता हूँ पेस्ट स्पेशल और यहाँ करता हूँ स्किप ब्लैंक, और जैसे मैं करता हूँ ओके, तो यहाँ देखिए, तो जहाँ मेरा ब्लैंक स्पेस था, जो ब्लैंक वैल्यू मेरी जैसे 1, तो 1 इसने पेस्ट किया, जो ब्लैंक था उसको ब्लैंक रहने दिया और उसके ऊपर इसने कुछ ओवरराइट नहीं किया। 2 है और 2 के बाद 3 के बीच में एक एक स्पेस है, तो वो वैल्यू यहाँ पे इसने ब्लैंक जो थे उनको स्किप किया है, और जिन जिन के अंदर मैंने वैल्यू थी वो यहाँ पे पेस्ट हो गई है। अब मैं इसको कर देता हूँ अंडू। अब नेक्स्ट होता है पेस्ट स्पेशल के अंदर ट्रांसपोज। तो ये जो ट्रांसपोज होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कंटेंट है ये पूरे मैंने कॉपी किए, कॉपी करके अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ट्रांसपोज,
तो ये देखिए, जो मेरा वर्टिकल है कंटेंट, वो मेरे हॉरिजेंटल हो गए हैं। अब इसमें पेस्ट स्पेस में एक ऑप्शन होता है लास्ट का, पेस्ट लिंक। तो पेस्ट लिंक के लिए जैसे मैंने एक पूरी टेबल ये मैंने सेलेक्ट की और कॉपी की, कॉपी करने के बाद अब मैं अपना पॉइंटर जो है यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और पेस्ट स्पेशल में जाके मैंने क्लिक किया पेस्ट लिंक। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पेस्ट लिंक से मीनिंग ये है, अगर मैं यहाँ अपनी टेबल में कुछ चेंज करता हूँ, तो अब जैसे मैंने यहाँ पे ABC टाइप किया या एप्पल टाइप किया, तो वहाँ पे देखेंगे वो चेंजेस वहाँ पे हो जाएगा। अगर मैं यहाँ करता हूँ XYZ, तो यहाँ पर भी देखेंगे आप XYZ मेरा चेंज हो गया है। अगर मैं यहाँ पे प्राइस चेंज करता हूँ किसी की, तो वो चीज़ प्राइस यहाँ पर भी चेंज हो जाएगी। तो ये इसमें होता है पेस्ट लिंक। अब इसमें जब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ और कॉपी करता हूँ, तो अब आप जब क्लिक कर गए हैं यहाँ पे, तो ये एक के बॉक्स अपीयर हुआ है। इसमें अलग अलग सेक्शन है, पेस्ट का, पेस्ट वैल्यू का और अदर पेस्ट ऑप्शन। इसमें आप देखेंगे पेस्ट तो सिंपल पेस्ट है, जो कि मैं पहले इसमें बता चुका हूँ कि सारे कंटेंट ये पेस्ट कर देगा, फॉर्मूलाज के अंदर फॉर्मूले कॉपी पेस्ट करेगा, और ये फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग जो सेम वही चीज़ थी जो अपन ने पेस्ट स्पेशल में देखा था। अब इसमें होती है कीप श्योर्स फॉर्मेटिंग, इसके अंदर भी वो फॉर्मेटिंग ही पेस्ट करेगा। इसमें जो है नो बॉर्डर, इसमें बॉर्डर पेस्ट नहीं होगी। इसमें कॉलम की विड्थ जो है, ये विड्थ के अकॉर्डिंग दूसरी जो जहाँ पे आपका पॉइंटर होगा उसकी कॉलम की विड्थ सेम इसके अकॉर्डिंग कर देगा। ट्रांसपोज मैं अभी बता चुका हूँ और मर्ज कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी मैं आपको इसमें क्लियर कर चुका हूँ। अब इसमें होता है पेस्ट वैल्यू और पेस्ट वैल्यू नंबर फॉर्मेटिंग। अगर जैसे आप यहाँ पे पॉइंटर पे मैंने यहाँ पे रखा और अब इधर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ये वैल्यू, तो आप देखेंगे इसमें फॉर्मेटिंग नहीं आ रही है, केवल ओनली वैल्यूज यहाँ पेस्ट हुई है। और सेकेंड इसमें होता है फॉर्मेटिंग, तो देखेंगे इसके अंदर आपकी जो करेंसी की जो फॉर्मेट्स हैं वो भी यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। फिर आप इसमें देखेंगे फॉर्मेटिंग, तो ये देखिए इसमें फॉर्मेटिंग इंसर्ट हो गई है, बट इसमें फॉर्मूले इंसर्ट नहीं हुए हैं, केवल वैल्यू इसमें पेस्ट हुई है और फॉर्मेट इसमें हुई है, लेकिन फॉर्मूला इसमें इंसर्ट नहीं हुए हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि जैसे करेंगे फॉर्मेटिंग आर, तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो फॉर्मेटिंग है वो चीज़ अप्लाई यहाँ पे हो जाती है किसी भी दूसरी चीज़ में। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए इस तरह से जो है फॉर्मेट्स भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे किया ये, अब इसमें एक सेकेंड ऑप्शन होता है, यहाँ पे होता है पेस्ट लिंक। तो पेस्ट लिंक में आपको पहले ही बता चुका हूँ, और इसमें होता है पेस्ट पिक्चर। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि ये एक इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो गई है इसके अंदर एज ए कैप्चर, जो भी अपने टेबल में जो सिलेक्टेड है वो। अब जब मैं इसमें बाहर वापस क्लिक करता हूँ अपने सेल में, और अब यहाँ मैं क्लिक करता हूँ लिंक पिक्चर, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए अब यहाँ पे अगर ये मेरी जो रेंज है, जो मेरी टेबल है, इसमें अगर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ तो ये इसमें भी चेंज हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे किया ये इस तरह से आप देखेंगे, तो ये मेरी इस टेबल में भी चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। इस तरह से तो ये कंप्लीट मैंने आपको भी बता दिया एक्सेल के अंदर पेस्ट स्पेशल के बारे में।